अब फ्रेंड्स हम देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। सपोज कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ए ए की एंट्रीज हैं वो है ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, बी टू वन, बी टू, सॉरी ए टू टू, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री। एंड बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स की एंट्रीज है हमारे पास ये बी वन वन, बी वन टू, बी टू टू, बी टू, बी टू वन, बी टू टू, बी थ्री वन, बी थ्री टू। फ्रेंड्स अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस कब डिफाइन होता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइन होता है। तो बेसिकली अगर इसमें हमारे पास हम बात करें कितने कॉलम है, सपोज यहाँ पे थ्री कॉलम है तो यहाँ पे हमारे पास थ्री रोज होना कंपलसरी है। अगर ए बी हम डिफाइन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में, यानी ए और बी हम डिफाइन कर रहे हैं तो ए में जितने कॉलम होंगे बी में उतनी रोज होना जरूरी है, तो उस कंडीशन में हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इजीली डिफाइन हो जाता है। यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन है डिफाइन होने के लिए, अगर ए बी को हम डिफाइन कर रहे हैं तो ए के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू बी के नंबर ऑफ रोज। तो फ्रेंड्स इस तरह से ए और बी को हम डिफाइन कर सकते हैं जब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें इस तरह से, यहाँ से इसका पहले सबसे पहले हम करते हैं इस रो का इस कॉलम से, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, ए वन वन का बी वन वन से, ए वन टू का बी टू वन से, ए वन थ्री का बी थ्री वन से। तो ये हमारे पास ये आ गया यहाँ पे। फिर से बी टू वन है और बी थ्री वन है, ये यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया है इसलिए याद रखें ये बी थ्री वन है। इस तरह से फिर इसका मल्टीप्लिकेशन हम इससे करेंगे तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट आएगा ये भी याद रखने वाली। जैसे हम फर्स्ट रो का इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो आएगा वो वन टू, यानी कि ए वन टू जो सी या सी वन टू हम डिफाइन करें वो वाला, यानी ये वाला नंबर, ये वाला जो एंट्री है वो आएगी। तो इसको हम देख सकते हैं, इसको हम ए वन वन बी वन टू, ए वन टू बी टू टू, ए वन थ्री बी थ्री टू, इसी तरह से फिर हम इसका डिफाइन इसका मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम से करेंगे तो हमारे पास ये एंट्री आ जाएंगी ए टू वन बी वन वन, ए टू टू बी टू टू, बी टू वन, ए टू थ्री बी थ्री वन। इस तरह से फिर इसका हम इसका इस कॉलम से करेंगे तो हमारे पास ये एंट्री आ जाएंगी। तो फिर इस तरह से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि अगर ए और बी का हम डिफाइन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रोज अगर सॉरी नंबर ऑफ कॉलम ए में जितने हैं उतनी ही रोज बी में होनी चाहिए। यानी ए जो है एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो बी जो है वो एन क्रॉस पी मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ से ए जो मैट्रिक्स था यहाँ पे हमारे पास टू क्रॉस थ्री था और ये मैट्रिक्स था हमारे पास थ्री क्रॉस टू था और जो करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आया वो आया टू क्रॉस टू का। यानी अगर ये एम क्रॉस एन का होता, ये मैट्रिक्स अगर एम क्रॉस एन का होता और ये एन क्रॉस पी का होता तो हमारे पास जो दूसरा जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स आता वो आता हमारे पास एम क्रॉस पी का, यानी इसका फर्स्ट जो रोज है इसके रोज और इसके कॉलम का हमारे पास करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आएगा। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को निकाल सकते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए ये कंडीशन फॉलो नहीं होती, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे ए बी यहाँ पे सेटिस्फाई है, ए बी हमें निकाल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम बी ए तो हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि बी ए निकालने के लिए इसमें कितनी रोज हैं, इसमें इसमें जो इतने पहले देखेंगे इसमें हम नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं दो हैं तो उस उतने ही कॉलम इसमें मिलने चाहिए थे लेकिन इसमें तीन कॉलम है तो बी ए जो है वो डिफाइन ही नहीं है। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए जनरली यही होता है, कभी कभार ही हो सकता है कि ए बी इक्वल टू बी ए हो और ए बी इक्वल टू बी होगा तो सब दोनों मैट्रिक्स जो होंगे फ्रेंड्स स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, उसी कंडीशन में वो ए बी क्रॉस इक्वल टू बी ए होगा।